हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी केयर। आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीएचएसएल के 16 अक्टूबर 2020 के सारे क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे, यानी कि आज के शिफ्ट वन में क्या क्या क्वेश्चन आया था एसएससी सीएचएसएल में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, आज का पेपर में रीजनिंग और इंग्लिश का जो लेवल था वो बहुत ही ज़्यादा ईजी था, और रीजनिंग एंड जीए जो कि जनरल एनालिसिस है उसका लेवल बहुत ज़्यादा ईजी टू मॉडल लेवल था। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रीजनिंग सेक्शन का एग्ज़ाम एनालिसिस करते हैं। तो इसमें जो टॉपिक्स है एनालॉगी, उसमें से टोटल दो क्वेश्चन आया था दोस्तों। ऑड वन आउट करने वाला जो क्वेश्चन आया था उसमें से टोटल 3 क्वेश्चन आया था। सीरीज़ में से 2 से 3 क्वेश्चन आया था। स्टेटमेंट एंड कॉन्क्लूजन्स में से 1 क्वेश्चन आया था। अब आपका हो गया डायरेक्शंस में से 1 भी टॉपिक नहीं आया था। सीक्वेंस में से 3 क्वेश्चन आ गया था। कोडिंग एंड डिकोडिंग में से 2 क्वेश्चन फंसा था इस बार। मैथमेटिकल ऑपरेशंस में से 1 क्वेश्चन आया था। डाइस में से 1 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन में से भी 1 क्वेश्चन, मिरर इमेज में से 2 क्वेश्चन और वेन डायग्राम एंड सिलोगिज्म में से 1 क्वेश्चन आया था। पेपर फोल्डिंग इमेज का 1 क्वेश्चन आया था। सिलोगिज्म में से 1 क्वेश्चन आया था। मिसेलेनियस क्वेश्चन जो है 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। टोटल मिलाकर जो है 25 क्वेश्चन था इस बार। और दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड में मैं जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि 16 अक्टूबर 2020 का जो एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम था उसमें पूछे गए थे। अब हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पेपर में चलते हैं। तो परसेंटेज वाले टॉपिक में से 1 क्वेश्चन, एवरेज में से 1, नंबर सिस्टम में से 1, सिंप्लीफिकेशन में से 1 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क में से 1 क्वेश्चन, स्पीड एंड डिस्टेंस जो कि ट्रेन से रिलेटेड ज़्यादातर आता है उसमें भी 1 क्वेश्चन आया है। एस आई एन सी आई इस टॉपिक में से भी 1 क्वेश्चन आया है। प्रॉफिट एंड लॉस में से 2 क्वेश्चंस, अलजेब्रा में से 3, ज्योमेट्री में से 3, मेंसुरेशन में से 2, डीआई टेबुलर ये जो एक टॉपिक है बहुत ही इजी है बट लगता है स्टूडेंट्स को हार्ड, इसमें से 3 क्वेश्चन आया था। डीआई बार ग्राफ से 2 क्वेश्चन आया था, मतलब टोटल इसमें भी 25 क्वेश्चन ही आया था। अब चलते हैं हम लोग के इंग्लिश के पेपर पे। इसका पेपर जो है इजी था, उतना ज़्यादा हार्ड नहीं था जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। तो फिल इन द ब्लैंक में से 2 क्वेश्चन, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में से 1 क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन में से 2 से 3 क्वेश्चन आया था, सेंटेंस रीअरेंजमेंट में से 2 क्वेश्चन आया था, इडियम्स एंड फ्रेजेस में से 2 क्वेश्चन, सिनोनिम्स में से 2 क्वेश्चन, एंटोनिम्स में से 2 क्वेश्चन भी आया था। अब आता है वॉइस चेंज का टॉपिक, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इजी लगता है, लेकिन इसमें से तो भी 2 क्वेश्चन आया था। अगर अच्छे से करके जाते हैं तो दोनों के दोनों करेक्ट हो जाएगा, याद रखना, क्योंकि नेगेटिव मार्क्स भी था इस बार एग्ज़ाम में। तो बी केयरफुल टू डू सच क्वेश्चंस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में से 1 क्वेश्चन, फ्रेज सब्स्टिट्यूशन में से 2 क्वेश्चन आया था, स्पेलिंग करेक्शन में से भी हम लोग का 2 क्वेश्चन ही आया था, क्लोज टेस्ट पैसेज में से 5 क्वेश्चन था, क्योंकि उसमें तो फिल इन द ब्लैंक करना पड़ता है। तो इस बार टोटल इंग्लिश में भी 25 क्वेश्चन ही आया था। अब चलते हैं जनरल अवेयरनेस की ओर। टॉपिक्स क्या क्या है, हिस्ट्री में से 4 क्वेश्चन, पॉलिटी में से 2 क्वेश्चन, स्टैटिक अवेयरनेस में से 3 से 4 क्वेश्चन आया था, ज्योग्राफी में से 3 क्वेश्चन, इकोनॉमिक का बेसिक वाला पार्ट से 1 क्वेश्चन, साइंस का 3 और करंट अफेयर्स में से टोटल हम लोग का दोस्तों 10 क्वेश्चंस आ गया था। अब चलिए हम लोग इंग्लिश सेक्शन का कुछ क्वेश्चन जो पार्टिकुलरली आया था 16 अक्टूबर में उसको डिस्कस कर लें। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में से हम लोग का इनविंसिबल का, ये जो है इनविंसिबल, इसी वर्ड का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया था। एंटोनिम एंड सिनोनिम में से ग्रेटिट्यूड वर्ड और साथ ही साथ इनकोहरेंट ये दोनों ही पूछा गया था। ईडियम वाले टॉपिक में से हैंग ऑफ आया था और स्पेलिंग एरर वाला जो सेक्शन है उसमें से डायमेंशन का जो स्पेलिंग है उसको हम लोग को करेक्ट करने के लिए बोला गया था। हम लोग मैथ के टॉपिक में से जो क्वेश्चन आया था वो ये है कि इफ़ ए प्लस बी इक्वल्स टू 6 एंड ए बी इक्वल्स टू 12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू। और अगर फिर इंग्लिश में देखें तो थीम ऑफ क्लोज टेस्ट वाज बेस्ड ऑन गुजरात टूरिज्म। इस बार का जो क्लोज टेस्ट है वो गुजरात टूरिज्म पे पूरा पूरी आया था। अब आ जाते हम लोग जो सबसे इम्पॉर्टेंट और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है जीए पे। मनिका बाटरा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, ये क्वेश्चन आया था। कबड्डी द्रोणाचार्य अवार्ड वोन बाई होम। स्टेट असेंबली इलेक्शन आर्टिकल,
इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, आंध्र प्रदेश फॉर्मेशन डे दिशा एक्ट इज पास्ड बाय विच स्टेट, 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गए थे। आगे बढ़े, द ओल्ड नेम ऑफ विच रिवर वाज दिहांग, ब्लू अम्ब्रेला बुक इज रिटन बाय होम, भारत रत्न वाज स्टार्टेड इन विच ईयर, सेकेंड मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एटमोसफियर, GST कम्स अंडर विच डिपार्टमेंट, एंड द लास्ट वन गुरु नानक बर्थ डेट रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कि गुरु नानक के बर्थ डेट से रिलेटेड क्वेश्चन भी इस बार GA में आ गया था।